तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और आज का ये जो नज़ारा है मुझे लगता है पहली बार ही देखने को मिला। इतनी धुम्मस आ रखी है, पूरा कोहरा कोहरा, बच्चे स्कूल चले गए और ये जो व्यू है ये हमें कभी कभी ही देखने को मिलता है। देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आज लग रहा है कि सर्दी आई है। हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव री सा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ की तो मैं क्या ही बात करूँ, कल मैं खुद अस्वस्थ हो गई थी। मतलब वही पूरा बॉडी पेन करना, फीवर आ गया था, वोमिटिंग वगैरह। तो कल पूरे दिन भर में भी मैंने कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं किया, ना ही मैंने कुछ काम किया। सारा काम कल मासी के ऊपर ही था क्योंकि मेरी उठने जैसी हालत ही नहीं थी। शाम को थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ तो मेथी के लड्डू बनाए थे, तो फिर मैं तो ब्लॉग में आई नहीं, लेकिन मासी ने कल की थी ब्लॉगिंग, तो मेथी के लड्डू की रेसिपी हमने शेयर की। तो ये तो थी कल की बात, आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मैंने ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी। और आज में अभी हुआ कि सुबह से थी धुम्मस, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे तो स्कूल गए, ऐसे में भी उन्हें तो जाना ही पड़ता है, यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ होती नहीं इसलिए, और वो स्कूल गए। और अभी बज रहे 9:30, तो सूर्य भगवान भी आ गए हैं बाहर, तो मतलब पूरी जो धुम्मस है वो चली गई है, मौसम एकदम साफ़ हो गया। और मैंने भी कपड़े डाल दिए मशीन में धोने के लिए। तो बस आप लोगों को क्या करना है पता ही है, चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं सूर्य भगवान के भी दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पे हो रहे हैं सूर्य भगवान के दर्शन। सर्दियों में तो इनके दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे सर्दी हो गई, बारिश हो गई। आज का जो लंच है उसमें आज हमारे बनेंगे नमकीन चावल। तो चावल धो लिए, सारी वेजिटेबल रेडी कर ली, पत्ता गोभी, प्याज, आलू, गाजर, टमाटर, मटर। सर्दियों में नमकीन चावल बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एक एक करके सारी वेजिटेबल अंदर डालते जाएंगे, जितना इनको बनाने में मज़ा आता है ना उतना खाने, उससे भी ज़्यादा खाने में आता है। तो फाइनली चावल बनने रख दिए। तो कपड़े सुखाकर टेरेस से मैं आ गई नीचे और यहाँ पे मैं फटाफट से बनाने लग गई हूँ चपाती, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है। तो वो स्कूल से आते ही फिर कहेंगे रोटी बना के रखी या नहीं रखी, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट चल रहे ना, तो वो गर्म नाश्ता लेके नहीं जाते, सूखा ही नाश्ता लेके जाते, तो उन्हें भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चपाती बना देती हूँ। कैसे बने नमकीन चावल? बहुत ही अच्छे बने, मैंने दूसरी बार ले लिए। और तेरा पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा। किसु स्कूल से आते तो इतनी भूख लग जाती है, आते ही ड्रेस चेंज किए पहले खाना खाते हैं ना किसु? हाँ, इस बार पे मैं पिलाती हूँ चाय। तो सबका खाना पीना हो गया, अब मैं भी कर लेती हूँ भोजन। तो यहाँ पे मैंने ली है रोटी, नमकीन चावल, साथ में पत्ता गोभी की सब्जी और छाछ। तो खाना खा लिया, अब लेनी है गोली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 2 दिन लेना। और वहाँ पे मेरा जो वर्क है बर्तन क्लीन करने का वो हो चुका है कम्प्लीट, लेकिन यहाँ पे मेरा मासी जी का वर्क अभी बाकी है। अभी हो रहा है इवनिंग टाइम और बज चुके हैं शाम के 6 और चाय वाय पी के हम लोग लग गए आज मंचूरियन बनाने में, क्योंकि काफी दिनों से सोच रहे हैं कि मंचूरियन बनाना है, लेकिन सोचते ही रह जाते हैं। फाइनली आज बना ही लिया और सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। तो मंचूरियन में यहाँ पे हमने जो मंचूरियन बॉल्स होते हैं वो फ्राई कर लिए। पहले मंचूरियन बॉल बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे से, तो यहाँ पे वो फ्राई हो रहे हैं। और अब हम लोग कर रहे हैं ग्रेवी की तैयारी। तो हमने मंचूरियन कैसा बनाया ये मैंने मतलब ब्लॉग में शूट नहीं किया, इसका मैं अलग से ही वीडियो अपलोड करूंगी, है ना मासी? मैंने और मासी ने सोचा कि हम मंचूरियन को पूरी रेसिपी के साथ में एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को देखना होगा हमने मंचूरियन कैसे बनाया तो हमारा वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी तो मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, फिर फुल हमारी डिश रेडी होगी तब मैं जरूर बताऊंगी। और यहाँ पीछे हमारे किसु भाई सब कुछ कर रहे हैं। आज किसु ने फिर से ब्लैक टी शर्ट पहना है इसलिए ब्लैक कैट बन गई। जमकुड़ी है, जमकुड़ी कैट नहीं है। क्या कर रही है किसु? अच्छा ये पत्रिका है ना? हाँ। गुजराती शादी का इन्विटेशन आया, कितनी अच्छी बनाई है सच में मासी। मतलब यहाँ पे कपल का फोटो है आगे, मस्त होने एकदम सॉफ्ट। ये हाँ ये सॉफ्ट होने चाहिए अंदर से। हाँ पूरा बहुत ही मस्त है स्टैंड के साथ। हम लोग जाएंगे शादी में जनवरी ना स्टार्टिंग, क्या 4 तारीख है ना कुछ। तो यहाँ पे मैं कोबीज को पहले क्रश कर रही हूँ, हमें ग्रेवी बनानी इसलिए फटाफट से। तो यहाँ पे मस्त मजेदार सा गर्मा गर्म मंचूरियन बनके हो गया है रेडी। ये हमारे घर में बच्चों को बहुत पसंद आता है, मतलब बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ये
कपड़ों का जो भी मेरा वर्क है वो हो चुका है यहाँ पे फिनिश। मैंने आयरन भी कर दिया, बस खाली अलमीरा में रखना है। और यहीं पे हमारे युवराज बन्ना कर रहे हैं हिंदी के कल के टेस्ट की तैयारी, है ना यूवी? मंचूरियम खा कूकर अब ये खाना खाने वाले नहीं है। और फाइनली यहाँ भाई साहब भी करने लग गए तैयारी, इन्होंने भी मंचूरियम खा लिया, अभी वीडियो में बताया था इन्होंने। और यहाँ पे बना दिया है हमने हलवा आटे का, वो क्यों वो मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारे घर पे पधारे हैं हमारे सबसे छोटे मामों साहब, मतलब मेरे सबसे छोटे मामी ससुर जी, तो हमने मंचूरियम का काम निबेड़ा और फटाफट से मैं और मासी लग गए। तो हमने खाना भी पूरा बना दिया, बस खाली चपाती सेकना बाकी है, तो मामों साहब लोग जिमेंगे तब चपाती बनाएंगे, बाकी सबका तो हो गया है। तो फटाफट से पहले कपड़े रख देती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी चपाती और मासी उनके थाली पुरुष देंगे। तो यहाँ पर सबका डिनर हो गया है और सब करने लगे बातें। यहाँ पे हमारे मम्मी जी भी बैठे हैं और मम्मी हमारे एक पंथ दो काज कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और साथ में लहसुन भी छिल रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं हमारा जो किचन का काम बाकी है वो, और ये जो वीडियो वो किसु ले रही है। और मामोसा के साथ में उनके दोस्त पधारे हैं जो उनके पास में बैठे हुए हैं, वो मामोसा के दोस्त हैं, तो यहाँ पर चल रही है इनकी बातें। तो फिलहाल हम लोग सारे कामों से हो चुके हैं फ्री, और अभी की क्लिप में देखा होगा कि मामू साहब हुकम और मम्मी सब बैठ के बातें कर रहे हैं, इनकी बातें तो चलती रहेगी। और बस हम लोग फ्री हो गए। मंचूरियम आज हमने बनाया था जो घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज खाऊँ या नहीं खाऊँ, पता नहीं सूट होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं खाया। और वैसे मुझे बहुत कम पसंद आता है तो मैंने स्किप किया खाना कि नहीं खाते, मैंने सब्जी रोटी खाई। तो उन लोगों की तो बातें चल रही है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अम्मा तो कोई खा दो आज मंचूरियो खा दो, क्या लागियो? बहुत अच्छा लाग गया, मस्त ठीक है जाना।